लीफ के बारे में बात करेंगे, एक है एकबीजपत्री, दूसरा है द्विबीजपत्री। कोई भी फ्रूट है जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, जिनके सीड्स होते हैं, उन सीड्स के बारे में हम बात करेंगे। आज मेरे पास दो तरह के सीड्स हैं, एक मटर के दाने हैं और एक चावल है। चावल के अगर दाने की हम देखेंगे, इसमें इसमें अगर आप इसको सेपरेट करना चाहोगे तो ये सेपरेट नहीं होंगे, क्योंकि ये एक बीज पत्री हैं। और इसके अंदर अगर मैं इसको थोड़ा सा, ये जर्मिनेट हो चुके हैं, इसमें परांकुर और मूलांकर दोनों ही आए हुए हैं। अगर इसको मैं सेग्रीगेट करती हूँ, इसके दो लोब्स बन जाते हैं। ये देखिए, इसके दो लोब्स हैं, ये कोटिलेडन्स बोलते हैं इनको, बीज पत्री। एक ये द्विबीज पत्री, इसमें दो बीज हैं। और इसके अंदर जो ये इसका जर्मिनेटिंग पार्ट है, परांकुर और मूलांकर, इसके अंदर आप देखोगे इस तरह से ये सेग्रीगेट हम कर सकते हैं। ये मूलांकर होता है, ये परांकुर होता है, जो डेवलपिंग पार्ट होता है सिडलिंग्स का। तो सिडलिंग के ये द्विबीज पत्री हैं। तो कोटिलेडन ये फूड स्टोर करता है और इसको सर्वाइव करने में हेल्प करता है। तो पहला, हम बीज के आधार पर कि वो मोनोकोट है या डाइकोट है, एक बीज पत्री है तो एक बीज है तो सिंगल एक बीज की तरह आप दिखा सकते हो। दूसरा, अगर दो बीज है उसमें तो मटर के दाने के आधार पर बता सकते हो उसमें दो कोटिलेडन है या दो बीज पत्री है। इनको बीज पत्री बोलते हैं, ये एक एक लोब ये है और एक ये है, तो इन दोनों को हम बीज पत्री के नाम से। दूसरा आता है जड़। जड़ कैसी होती है? जो मोनोपोड्स होते हैं, एक बीज पत्री होती है, उनकी फाइब्रस जड़ होती है। मतलब जहां पर ये प्लांट ग्रो हो रखा होता है, उसकी जड़ें एक फाइब्रस की तरह सब निकली हुई होती हैं और उनको फाइब्रस जड़ कहते हैं। दूसरी होती है मूसला जड़। मूसला जड़ जैसे एग्जाम्पल है, इसके अंदर ये एक रूट होती है जो बेस होती है, जो टैप की तरह होती है, टैप, इसको टैप रूट भी बोलते हैं क्योंकि टैप की शेप में होती है। और इसमें थोड़ी बहुत इसमें जस्ट अलग जो है उसके अंदर फाइबर्स वो निकले होते हैं, अदरवाइज ये मूसला जड़ है और ये क्या है, फाइब्रस जड़ है। ये पहचान होती है एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री के अंदर। तीसरा आता है पत्ती कैसी होती है, एक बीज पत्री और द्विबीज। इसमें मेरे पास दो तरह के पत्ते हैं। अगर इसमें हम ध्यान से देखेंगे, ये समानांतर शिलाएं हैं, इसके अंदर बिल्कुल पैरेलल है, पैरेलल। इसमें बैक में आप ध्यान से देखो इसको, ये पैरेलल वेनेशन है ये वाली। अगर इसमें इसमें डिफरेंस देखेंगे, ये इस तरह की जालिका है, ये जाली बनी हुई है। तो जालिका होगी तो उसके अंदर टैप रूट होती है, और जो ये इस तरह की जो समानांतर या पैरेलल वेनेशन होता है उसके अंदर ये जड़ होती है, फाइब्रस जड़ होती है। तो ये हम पत्ते को देख के भी बता सकते हैं कि उसकी जड़ कैसी होगी। ये समानांतर शिरा विन्यास और ये है जालिकावत शिरा विन्यास, या इसको हम पैरेलल और इसके अंदर अल्टरनेट है, ये वेरिएशन अलग अलग है इनकी शिलाएं। उसके बाद नेक्स्ट हम पत्ती के आधार पे हो गया। उसके बाद उदाहरण है, जैसे मैंने चावल के एग्जाम्पल लिया, तो चावल एक मोएक बीज पत्री है जिसकी एक बीज पत्र होता है, उसमें फाइब्रस रूट्स होती है उसकी और समानांतर शिलाएं होती हैं, जो मैंने अभी अभी इस पत्ते के अंदर दिखाया आपको। इस तरह ग्रास टाइप फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, तो इस तरह की आपको समानांतर शिलाएं उसके अंदर दिखाई देंगी। तो चावल है, गेहूं है, मक्का है, जैसे आप भुट्टा खाते हो उसके अंदर भी एक ही बीज होते हैं उसको। अगर आप मूंगफली जैसे हम खाते हैं, तो मूंगफली या जो मटर के दाने होते हैं, बहुत सारे मटर के दाने, उसके दो लोब्स हैं अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं, तो वो द्विबीज पत्री में आते हैं, जिसके दो बीज पत्र होते हैं। मूसला जड़ होती है, मतलब टैप रूट, जैसे आप कोई भी मूसला जड़ का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे मूली है, शलगम है, वो अंडरग्राउंड है और पूरी रूट के फॉर्म में हम उसको खाते हैं, वो मूसला जड़ है, उसकी एक मेन टैप रूट है। उसके बाद जाली का शिराए होती है, जैसे मैंने इस लीफ के अंदर आपको दिखाया कि इसका पैटर्न है वो जाली की शेप में होता है। और एग्जाम्पल है मूंगफली है, चना है, मटर है, मूली, शलगम, गाजर, ये बहुत सारे हैं। तो ये एक डिफरेंस है जो हम एक बीज पत्री यानी मोनोकोट्स और द्विबीज पत्री मतलब डाइकोट्स के अंदर सेग्रीगेट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।